आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मौसीम जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सारी खरीदारी पूरी हो जाने के बाद मैं और मामा जी वापस घर लौट रहे थे। रात काफ़ी हो जाने की वजह से बाजार की अमूमन सारी दुकानें बंद होने को थी। हम दोनों के हाथों में सामानों का थैला होने के कारण हमारे चलने की रफ्तार थोड़ी धीमी थी। अभी हम दोनों चल ही रहे थे कि रास्ते के किनारे पर तीन चार लोग खड़े दिखे, जिन्होंने मामा जी को आवाज़ दिया। अरे जाहिर, कहाँ से आ रहा है? आवाज़ सुनते ही मामा जी ने जब उनकी ओर देखा तो फिर मामा जी भी उनके पास जाकर गप्पे लड़ाने लगे। उन लोगों की बातों से तो वो सभी मामा जी के दोस्त मालूम पड़ रहे थे। तभी मामा जी ने मेरे को घर भेजते हुए कहा, तुम जाओ और जाते वक्त चिकन लेते जाना, नहीं तो फिर दुकान बंद हो जाएगी। पैसे हैं ना तुम्हारे पास? मामा जी की इस बात पर गर्दन को धीरे से हाँ में हिलाते हुए मैं वहाँ से निकल गया और घर की ओर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद जब मैं चिकन शॉप के पास पहुँचा तो पाया कि वो दुकान अभी भी खुली हुई है। दुकान खुला पाकर मैंने फटाफट आधा किलो चिकन पैक करवाया और फिर दुकानदार को पैसे देकर वापस घर की तरफ बढ़ने लगा। जैसा कि रात काफ़ी हो चुकी थी, जिस वजह से गांव के कच्चे रास्तों पर अब कहीं कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था और ऐसे में खुद को अकेला पाकर कहीं न कहीं इस रास्ते के बारे में सुनी कहानियां मुझे सच लगने लगी थी। मगर कहानी और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये सोचकर मैं चलता रहा। मगर मैं खुद को बहलाने की चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, घबराहट थी जो हर बढ़ते कदम के साथ बढ़ती ही जा रही थी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो डर के मारे मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि घर अभी भी काफ़ी दूर था। चलते चलते अब मैं जिस रास्ते पर आ गया था उसके दोनों ओर सिर्फ जंगल ही जंगल था। काफ़ी दूर दूर में लगे एकाध स्ट्रीट लाइट अंधेरे को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, मगर नसीब से उस रास्ते पर इतनी लाइट तो थी ही कि मैं बिना रुके चल सकूं। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। ऐसा महसूस होते ही मेरे डर ने एक झटके में आसमान छू लिया, मतलब कि मेरा डर कई गुना बढ़ गया था। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं पीछे मुड़कर देख सकूं। इतने में ही किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, जिससे पल भर के लिए मेरी धड़कनें मानो थम सी गई थीं। मगर तभी मैंने जब पीछे देखा तो मेरी जान में जान आई। दरअसल मेरे पीछे मामा जी खड़े थे और तभी मामा जी ने कहा, डर क्यों रहा है, मैं हूं पागल। फिर मैं और मामा जी हम दोनों एक साथ घर की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते जब अचानक ही मेरी नज़र मामा जी पर गई तो देखा कि वो एक टक मेरे हाथों में टंगे चिकन के थैले की ओर देखे जा रहे हैं, जो कि मुझे काफ़ी अजीब बात लगी। खैर, मैंने इसे नज़रअंदाज किया और सामने देखते हुए चलता रहा। चलते चलते मेरा ध्यान एक चीज पर गया कि लाइट के खंभे से आती रोशनी में मेरी परछाई तो बन रही है मगर मामा जी की नहीं, जबकि कायदे से तो हर इंसान की परछाई होती है। इन सभी चीज़ों को देखकर जहन में कई सारे ख्यालात उमड़ने लगे थे। दिमाग में ढेर सारे सवालों को लेकर अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मेरे साथ चल रहे मामा जी ने कहा, तुम्हारे पास सामान बहुत ज़्यादा है ना, एक काम करो, वो चिकन का थैला मुझे दे दो। जिस पर मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, आप चलिए। जिस पर मामा जी ने काफ़ी सख्त और अजीब लहजे में कहा, काना मुझे दे दो। मामा जी के ये बोलने का अंदाज मुझे काफ़ी अजीब लगा, लिहाजा मैंने बिना किसी बहसबाजी के चिकन का थैला मामा जी को पकड़ा दिया और अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी। कहीं न कहीं मुझे समझ आ गया था कि दाल में जरूर कुछ काला है,
काफ़ी तेजी से चलने की वजह से मैं मामा जी से बहुत आगे निकल आया था। चलते चलते अब मैं गांव में दाखिल हो चुका था। फिर जैसे ही मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा, तो दरवाजे पर खड़े नाना जी ने कहा, मौसिम तुम अकेले, तुम्हारे साथ तो जाहिर भी था ना, वो कहाँ है? जिस पर मैंने कहा, पीछे ही तो थे मामा जी। और ये बोलते हुए जब मैं पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल मेरे पीछे दूर दूर तक मामा जी नज़र नहीं आ रहे थे। इससे पहले कि मैं खुद को संभालता या फिर कुछ कर पाता, मेरे फ़ोन की रिंग बजी। जेब से फ़ोन निकाला तो मामा जी का कॉल था। फिर मेरे फ़ोन उठाते ही उन्होंने कहा, हाँ मौसिम, तुम कहीं रुकना मत, सीधे घर चले जाना। और हाँ, घर पर बोलना कि मुझे आने में देरी होगी, मैं अभी दोस्तों के पास ही बैठा हूँ। ये सुनकर मेरे रगों में दौड़ता खून मानो सूख गया हो। इस तरह से मेरा चेहरा पीला पड़ता देख नाना जी को ये समझते देर नहीं लगी कि जरूर कोई गंभीर बात है। फिर वो मुझे घर के अंदर ले गए और मुझे पूरी बात विस्तार से बताने को कहा। मैंने जब पूरी बात बताई तब उन्होंने बताया कि असल में वो रास्ता रात के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खासकर अकेले आदमी के लिए तो कतई नहीं। कहते हैं कि उस रास्ते पर जिन्नों का वास है। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने उसे मांस का थैला दे दिया, वरना वो चाहता तो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता था। डरा हुआ तो मैं पहले से ही था, ऊपर से नाना जी की इस बात ने मुझे और भी डरा दिया। मगर क्या सच में वो एक जिन था या फिर महज मेरी आंखों का धोखा, ये आज भी एक रहस्य है जिस पर से पर्दा शायद कभी नहीं हट पाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।